मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई डॉक्टर अमनदीप वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हुज नेम इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या पोजीशन है, कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अलग अलग रूप हैं और क्या क्या चैलेंजेस क्या आ रहे हैं इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। तो लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक इन डिटेल। आज के इस टॉपिक में हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और इंफ्रास्ट्रक्चर के कितने टाइप्स हैं, सिर्फ इन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, किसी भी नेशन की अगर हम बात करें, किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो डिपेंड करती है कि उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है। So we can say that economic development of a nation depends on good quality infrastructure. Quality infrastructure. Infrastructure हम किसको कहते हैं? Infrastructure को हिंदी में कहते हैं आधारभूत संरचना। कुछ पूर्व आवश्यकताएं होती हैं, कुछ आधारभूत संरचनाएं होती हैं जिसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर आपको अपने देश में करना है, आर्थिक विकास अगर आपको करना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्या है, क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, एक बार मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं कि आपकी जो एनर्जी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है, आपके जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है, कम्युनिकेशन है, हेल्थ है, एजुकेशन है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। इसके अलावा बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ये भी चीजें इंश्योरेंस बैंकिंग ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है। तो अगर किसी देश को आर्थिक विकास करना है तो उसको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना पड़ेगा, मतलब कि आपका टेली कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन, आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आपका एनर्जी का सिस्टम, हॉस्पिटल, एजुकेशन, बैंक, इंश्योरेंस सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के अगर आप देखेंगे तो दो पार्ट्स हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका एजुकेशन और हेल्थ आता है और नर्सिंग सिस्टम आ गया, हॉस्पिटल्स आ गए, बाकी जो बच गए उसमें आपकी एनर्जी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इसके अलावा आपका बैंक और इंश्योरेंस हो गया। अब अगर हम बात करें, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हुई है, अगर आपको ग्रोथ करनी भी है अपनी इकोनॉमी की, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आज अगर हम विदेशों की तरफ देखें, जो डेवलप इकोनॉमीज हैं, अमेरिका है, इंग्लैंड है, जापान है, वो डेवलप क्यों है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बहुत स्ट्रांग है, उनका जो रोड सिस्टम है, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम है, उनका जो एनर्जी सिस्टम है, वो सारे का सारा ही स्ट्रांग है। तो गवर्नमेंट जो है हमारी, वो भी बहुत ज्यादा एफर्ट कर रही है कि हम अपने देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग करें। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारा स्ट्रांग होगा तो हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, आधारभूत संरचनाओं के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दे रही है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। अगर आपको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको एनर्जी चाहिए, आपको रॉ मटेरियल एक दूसरे जगह से लाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए सिस्टम। इसके अलावा आपका जो, अगर आप देखें तो बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर अच्छा होना चाहिए, आपका स्ट्रांग होना चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है इन सारे एरियाज को काफी ज्यादा मजबूत करने पे लगी हुई है। अगर आप देखें तो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत मजबूत हुआ है, हर जगह हमने लेन सिस्टम बनाया है, कनेक्ट किया है इंडिया के हर पार्ट को आपस में। तो हमारे बैंक्स और इंश्योरेंस सेक्टर बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे 3G 4G 5G तक चल रहे हैं, लाइट की कोई कमी नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गवर्नमेंट ने काफी खर्चा किया है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि अगर देश के अंदर आर्थिक विकास करना है, अगर डेवलपमेंट लेके आनी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग करना पड़ेगा।
तो इसीलिए 11th जो 5 ईयर प्लान जो थे, जो कि आपके 11th 5 ईयर प्लान जो है, पंचवर्षीय योजना हम जिसको कहते हैं, उसमें गवर्नमेंट ने अराउंड 20,56,000 2,050 करोड़ रुपीज जो थे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के ऊपर खर्च किए थे, लगभग 20.5 लाख करोड़। और 12th जो प्लान था आपका 2012 से लेकर के 17 तक, इसमें गवर्नमेंट ने और ज्यादा लगभग 55,74,663 करोड़ रुपीज जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन को, एनर्जी को, कम्युनिकेशन को मजबूत करने में गवर्नमेंट ने लगाए। किस लिए लगाए? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है, क्योंकि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे तो देश में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे कि पूरे देश के अंदर एक अच्छा वातावरण आएगा। तो क्या हम सोच सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना कुछ हो सकता है? आप सोच के देखिए कि अगर मान लो एनर्जी नहीं है आपके पास, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आपके पास लाइट नहीं है, पावर नहीं है, तो क्या कोई भी बिजनेस चल पाएगा? क्या कोई फैक्ट्री चल पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। क्या हम सोच सकते हैं ऐसा? क्या अगर रोड ट्रांसपोर्ट ना हो, अगर रोड ट्रांसपोर्ट ना हो, रेल ट्रांसपोर्ट ना हो, वाटर ट्रांसपोर्ट ना हो, ये फैसिलिटीज हमारे पास नहीं हो, तो क्या हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या ट्रेड हो पाएगा, बिजनेस हो पाएगा? हम सोच भी नहीं सकते। तीसरा, अगर कम्युनिकेशन ना हो, आपस में अगर कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा है, कोई फैक्स नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई फोन नहीं, तो क्या हम एक दूसरे को मार्केटिंग कर पाएंगे, एडवर्टीजमेंट कर पाएंगे, टाइम पे पेमेंट कर पाएंगे? इसी तरह अगर बैंक या इंश्योरेंस ना हो तो कितना मुश्किल हो जाएगा। अभी 2 दिन बैंक की हड़ताल थी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। तो अगर बैंकिंग और इंश्योरेंस फैसिलिटीज ना हो तो क्या बिजनेस हो पाएगा? ये तो हो गई इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। अब बात करते हैं कि अगर मान लो एजुकेशन फैसिलिटीज ना हो तो क्या हम स्किल्ड वर्कर ले पाएंगे? बिना एजुकेशन के अगर हम इलिटरेट रह जाएंगे तो क्या हम उन मशीनों को, उन टेक्निक्स को यूज कर पाएंगे? और दूसरा, अगर मान लो हेल्थ फैसिलिटीज ना हो, हेल्थ में क्या आ जाएगा? हॉस्पिटल्स हो गया, नर्सिंग होम्स हो गए, अगर ये फैसिलिटीज ना हो तो क्या हम एफिशिएंट वर्कर बन पाएंगे? हम बीमार रहेंगे, हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इट मींस कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना, ये बेसिक जो रिक्वायरमेंट है किसी भी देश के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना या एक आदमी की डेवलपमेंट करना, ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है? हमें पता लगा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर किसी देश का, अगर आपने किसी नेशन का करना है, तो वो डिपेंड करता है गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू दोज कोर एलिमेंट्स। ये वो जरूरी तत्व हैं जो इकोनॉमिक या सोशल वेलफेयर के लिए जरूरी होते हैं, जिससे कि प्रोडक्शन एक्टिविटी जो इकोनॉमी के अंदर है वो उसको सपोर्ट करते हैं। अगर किसी भी देश ने अपने देश के अंदर प्रोडक्शन एक्टिविटी को चलाना है या उसको बढ़ाना है, उसको इंक्रीज करना है, तो उसको इंक्रीज करने में कौन मदद कर रहा है, कौन सपोर्ट करता है उसको इंक्रीज करने में? वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो हम अपना प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा पाएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू दोज कोर एलिमेंट्स, वो जरूरी तत्व, वो जरूरी आवश्यक तत्व जो कि सपोर्ट करते हैं किसको? प्रोडक्शन एक्टिविटी को इकोनॉमी के अंदर। अगर आपको इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है या प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो आपको कुछ तत्व, ऐसे जरूरी तत्व होते हैं, कुछ कोर एलिमेंट्स होते हैं जो कि इकोनॉमिक या सोशल नेचर के होते हैं। इकोनॉमिक में क्या आ जाएगा? एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस। और सोशल में क्या आ जाएगा? हेल्थ एंड एजुकेशन। तो ये जो है, एनर्जी है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, बैंक्स है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये बहुत जरूरी हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इकोनॉमी के अंदर, सो दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, एनर्जी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स। तो ये स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल जो है, ये आ जाएगा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में।
इंफ्रा भी बोल देते हैं, और ये सारे आ जाएंगे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर देश के लिए बहुत जरूरी है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी। क्यों? क्योंकि इन दोनों से ही देश के अंदर प्रोडक्शन की एक्टिविटी बढ़ती है, देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट आती है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं मैं, इसमें सारी की सारी एनर्जी है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है और इंश्योरेंस है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका एजुकेशन आ गया और हेल्थ आ गया। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, ये दोनों ही जरूरी है। अगर आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अच्छा है, मान लो यहाँ पे एनर्जी ठीक है, कम्युनिकेशन 3G 4G चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, बैंकिंग इंश्योरेंस की फैसिलिटी है, बट एजुकेशन और हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है, जो कि इंडिया में ये प्रॉब्लम है फिलहाल, तो क्या इसका क्या इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? इसका ये रिजल्ट होगा बेटा कि हमारे पास अगर एजुकेशन नहीं होगी तो हम लोग इलिटरेट रहेंगे, हम लोग अनपढ़ होंगे। जब हम अनपढ़ होंगे तो हमारे को ये सारी की सारी जो चीजें हैं इनको यूज करना नहीं आएगा, क्रिएटिविटी नहीं होगी, इनोवेशन नहीं होगा। और अगर हेल्थ फैसिलिटी अच्छी ना हो तो क्या हमारे जो वर्कर होंगे, हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है हमारे पास, जो हमारे पास लोग हैं, वो हेल्दी नहीं होंगे? इट मीन्स सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही जरूरी है जितना कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बैंक भी उतना ही जरूरी है जितना कि हॉस्पिटल जरूरी है, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज रिसर्च सेंटर भी उतने ही जरूरी हैं जितने की रोड जरूरी है, जितने की 3G और 4G जरूरी है, जितना की इंश्योरेंस जरूरी है। तो दोनों के दोनों जो है एक नेशन के अंदर अगर आपको डेवलपमेंट करनी है तो दोनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको जोर देना चाहिए, ताकि ऑल अराउंड हमारी प्रोस्पेरिटी हो सके, ऑल अराउंड हमारी ग्रोथ हो सके ह्यूमन लाइफ की। हमें रोड भी चाहिए, हमें हॉस्पिटल भी चाहिए, हमें एजुकेशन भी चाहिए, और हमें बैंक्स और इंश्योरेंस फैसिलिटी भी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए जरूरी हैं। कौन कौन से? इकोनॉमिक भी और सोशल भी। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। इसमें क्या आता है? इट रेफर्स टू ऑल दोज एलिमेंट्स, वो सारे के सारे एलिमेंट जैसे पावर है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो कंपोनेंट आपको जरूरी होते हैं देश के अंदर आर्थिक उन्नति के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये 5 एलिमेंट होने जरूरी हैं देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो इससे क्या है, प्रोडक्शन की एक्टिविटी बढ़ेगी। जब आपके पास पावर सप्लाई होगी तो उससे प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ती है। जब आपके पास ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तो आप गुड्स को, फिनिश आइटम्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ। अगर आपके पास कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज अच्छी हैं तो आप मार्केटिंग कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की जानकारी दे सकते हैं लोगों को। अगर बैंक्स की फैसिलिटी है तो पेमेंट बहुत जल्दी हो जाएगी, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। तो किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। दूसरा है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कि वो सोशल इंस्टीट्यूशंस, वो सामाजिक संस्थाएं जैसे कि स्कूल हो गया, कॉलेज हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, नर्सिंग होम्स हो गए, जो कि देश के अंदर सामाजिक डेवलपमेंट लेके आते हैं, सोशल डेवलपमेंट। इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है, बट समाज के अंदर सामाजिक विकास भी जरूरी है। कैसे? सोशल डेवलपमेंट जो है वो लोगों पे फोकस करती है, लोगों की डेवलपमेंट पे फोकस करती है। लोग जो है वो पढ़े लिखे हों, उनकी सेहत अच्छी हो, उनके पास कोई स्किल हो, उनके पास कोई कौशल हो, ताकि वो लोग हेल्दी और कुशल ह्यूमन बींग्स बन सके। तो एक नेशन अगर हेल्दी है, एजुकेटेड है, स्किल्ड है, उसके पास ऐसी जो लेबर, उसके पास जो वर्कर हैं, वो अगर स्वस्थ हैं, पढ़े लिखे हैं और उनको कुछ स्पेशल
स्किल आती है उनको, तो ज्यादा अच्छे तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्ट ले सकते हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमने देखा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर आपको करनी है तो उसके लिए ये ऊपर वाले जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जरूरी है। और अगर हम देखें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है, तो हमें ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा चाहिए और हमें स्कूल कॉलेजेस और हेल्थ इंस्टीट्यूशंस भी चाहिए ताकि हमारा समग्र विकास हो सके, ऑलराउंड हमारी जो डेवलपमेंट है वो हो सके। तो हम कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ता है। जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सामाजिक जो आधारभूत संरचना है, उससे आदमी की ग्रोथ होती है, इंसान की ग्रोथ होती है, मतलब उसकी जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज है, हमारे पास जो पूंजी है, 140 करोड़ लोग हम हैं इंसान के रूप में, हमारे पास जो लोग हैं उनकी क्वालिटी इंक्रीज होती है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से, मतलब एजुकेशन से, हॉस्पिटल से। तो इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो ये जरूरी है कि गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान दें। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर क्या रोल है। थैंक यू सो मच।